वेलकम टू देव दृष्टि ब्लॉग। चलिए जी, लेके आ गई हूँ अपना नया ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ फ्रेंड्स मैं दोपहर से, और अभी बज रहा है 2:15। और लंच हो गया है हमारा, और लंच करके देख तन भी इधर पड़े हुए मेरे, और इधर आयुषी मैडम छिल रही हैं आलू। ये आलूओं को क्या करना है ये मैं आपको भी बताऊँगी, क्योंकि ये आलू इसकी वजह से ही छिल रही हूँ मैं। आप नहीं, मैं छिल रही हूँ। मैंने बोला इसकी वजह से ही छिलवा रही हूँ मैं। बस छिल रही हूँ बोला था। अच्छा ठीक है, देखेंगे शाम को पापा आएंगे। तो फ्रेंड्स आज आयुषी ने फरमाइश की है मुझसे कि मेरे को सूजी का चीला बनाओ, जो मेरे स्टाइल का होता है। बहुत सारे लोग आटा डाल के बनाते हैं आप कुछ भी, तो ये आलू भी मेरे को उसमें चाहिए होगा, इसलिए मैंने आलू छिलवाया। और थोड़ा ज़्यादा इसलिए छिलाया एक ही बार में गैस लगी गई, आपको पता है मिडिल क्लास लोग, मिडिल क्लास तो बचत करने का थोड़ा थोड़ा ऐसा रहता है कि चलो एक ही चीज़ में दो काम हो जाए। तो शाम को मुझे बनानी है शिमला मिर्च की सब्ज़ी, और जिसमें मैं बॉईल करके आलू डालती हूँ, बहुत अच्छी लगती है, खिली खिली बनती है एकदम। तो थोड़े आलू उसके लिए हो जाएंगे, और थोड़े आलू मेरे ये जो आयुषी के लिए बना रही हूँ मैं चीला, उसके लिए हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आयुषी से मैंने मंगाया पहले, मैंने बोला ठीक है मैं बना दूँगी, बट सूजी तेरे को लानी पड़ेगी। तो ये बेचारे मतलब अपनी जान को खतरे में डाले तो लेके आई है फ्रेंड्स सूजी, जो कि इसने ये इधर रखी हुई है, ये दिख रही होगी आपको फ्रेंड्स सूजी। अब मैं इसको भिगा देती हूँ। मैं सोच रही हूँ थोड़ा कम कर दूँ आयुषी, तो इसको भिगाते हैं फ्रेंड्स। और सूजी भिगाने के लिए हमें चाहिए होगा थोड़ा सा दही, दही में हम भिगाएंगे सूजी और बाकी सारी चीज़ें डालेंगे उसके बाद। चलिए फ्रेंड्स बनाती हूँ मैं, कैसे बनाती हूँ आपको दिखाती हूँ। चलिए फ्रेंड्स आयुषी ने, और ये साइज़ में बहुत बड़े हैं, इसलिए हम इनको ना बीच से काट काट के दो दो करके ऐसे फिर इनको बॉईल करेंगे फ्रेंड्स। तो सब इधर देख देख, ये मैंने सूजी डाल दी है इसमें एक पतीले में। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा दही, और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चलिए अब डालते इसमें दही। कुकर में डाल दिया आलू कट करके फ्रेंड, बहुत बड़े हैं साइज़ में इसलिए मैंने कट करे। और अब लगा देते हैं कुकर में ढक्कन और आग। ये ढक्कन कहाँ लग गया इधर? चलिए आजकल तो मेरा आग लगाने का यंत्र भी खराब हो रहा है इसलिए। अरे जल जा भाई, ये तो रख दिया फ्रेंड्स। अब है इसकी बारी, इसको करते हैं थोड़ा सा। चलिए पहले डालते हैं इसमें दही। क्या लेके आई तू? पहले आप कर लो। दिखा मुझे दही फ्रेंड्स, मेरे पास थोड़ा कम है, ये मेरे को जामुन के लिए भी रखना है, इसलिए मैं कम ही डालूंगी अभी, और बाद में देख लेंगे। वैसे भी फूल जाएंगे क्योंकि गर्मी है। और ये आप खाना खा लीजिए, इनको छोड़ दीजिए। मैं भी खाऊंगी। हाँ तो शाम को बन तो रहे हैं। अच्छा शाम को बन रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर, अभी बना रही हूँ तो सूजी फूलेगी। वहाँ रखती है फिर अभी बना रही हूँ मैं, अभी खाएंगे हम। तुम्हें तो दाल चावल खाना है, तेरे लिए कल के और परसों के भात बचे वो खा रहा था। भी खाऊंगी नैनो, दो शिमला मिर्च दो टमाटर निकाल के लाना बेटा। चलिए फ्रेंड्स अब यहाँ पे डाल लेते हैं हम इसमें थोड़ा सा H2O पानी। शिमला मिर्च भी डालोगे ना इसमें? हाँ बहुत मजा आता है एकदम फौरन। प्याज भी डालना? अरे डालती हूँ यार, मुझे मत सिखाओ। मैं डालना कभी आप भूल जाओ। कभी क्यों भूलूंगी मैं, कभी मैं तेरे को भूली? एवियन में भूले थे एक बार, छुट्टी में लेके आना मेरे को। क्या यार बेचारे कोई लेके भी नहीं गए, वो वापस फोन कर रहे हैं आपकी बेटी है। हाँ तो कौन लेके जाता, मैं किसी को जानती थी? नहीं नहीं अरे कोई उठा के नहीं ले गया ना, मुसीबत को कौन ले जाएगा। आयुषी इधर ही है, इसे लेके जाओ बस बस। यस कोई लेके भी जाता दूसरे दिन फोन करता है, ले 20,000 रुपए और जा अपने घर जा, ऐसे बोल देते।
ये देखिए फ्रेंड्स, अभी कुछ इस तरीके का हो गया है। ये देखिए, ये इडली नहीं बन रही है बिल्कुल भी, जो बन रही है कर लो ना इसको। ये बहुत है बेटा, अभी इसमें चिली फ्लेक्स आएंगे, शिमला मिर्च हो गई, दो शिमला मिर्च हो गई, दो टमाटर हो गए। कहाँ दिखा रही है ये नलायक पागल बदतमीज और फिर रेस्ट का काम हो जाएगा बाद में। वीडियो बनाती आ रही तू वहां से? अभी यहीं से शुरू गई। हेलो ना, चलिए आप बनाते हैं। अब इसको ये कर देते हैं, मैं इसका शिमला मिर्च को कट कर देते हैं थोड़ा सा। ये क्या है? फोन भी जाता, अभी मैं भी जाती यार। फोन का मत करना, उसमें बहुत डाटा है मेरा। क्या मतलब, मैं चली जाऊं? खा जाने कौन सा, यहाँ पे कुआं गड्ढा खुद रहा है तो उसके अंदर ही घुस जाएगी, फिर वो बुलाना पड़ेगा हमें। ऐसे बारीक बारीक फ्रेंड्स इसको काट देती हूँ मैं। ये थोड़ा बड़े ही हो रहे हैं बट अच्छे लगते हैं, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। शिमला मिर्च सब चीज में अच्छी लगती है, चाहे वो चीला हो या मैगी हो या चाउमीन हो, सब चीज़ में अच्छा लगता है। इन लोगों को थोड़ा कम कम अच्छा लगता है। और इसकी सब्जी भी मुझे बहुत पसंद है शिमला मिर्च की, और पहाड़ों वाली शिमला मिर्च तो और भी अच्छी थी। हो गया इतना सुपर फास्ट स्पीड में प्याज छिल रहा है, वो सोचेंगे इन्होंने वो कर रखा, स्पीड बढ़ा रखी है। नहीं नहीं नहीं, स्पीड नहीं बढ़ाई है भाई। किसी दिन होम टूर करा देना मम्मी, होम टूर। पर मेरा बकवास वाला जोक मत मारना। चॉपिंग पे फोकस कर, मैंने कितनी प्यारी चॉपिंग करी है मैंने। आय हाय, क्या इससे अच्छी मैं करती हूँ? अच्छा मैंने सोचा तू क्या कर दिया। ये देख हो गया प्याज, फटाफट टमाटर चलो काटेंगे फ्रेंड्स। टमाटर का थोड़ा रिस्क रहता है क्योंकि ये टपकता रहता है ना, इसका पानी पूरी इधर। एक बार बना के जरूर देखिएगा, बहुत बढ़िया लगता है खाने में, बहुत ही स्वादिष्ट। और अभी बहुत ही ज्यादा भाई। हाँ, और तेरी फ्रेंड्स को भी बहुत पसंद है ना ये? जी हाँ, और तानिया दीदी को भी। तानिया दीदी बोल रही थी उस दिन। हाँ हाँ, बस अब मेरे को बार बार फोन ऊपर करना पड़ रहा है। क्यों, आवाज तो साउंड से ले सकती है, ऐसा थोड़ी है कि नीचे दिखाएगी तो मेरी आवाज ही नहीं आएगी। ये क्या बात हुई भाई, इसका क्या हो गया? चलो कट गया टमाटर। देखिए फ्रेंड्स, सब्जियां काट दी है मैंने, ये सब उसमें डालूंगी मैं सूजी के बैटर में,
और गाजर का सीजन नहीं है तो इसमें जितनी सारी वेजिटेबल डाल सकते हैं, बहुत हेल्दी और अच्छा होता है। तो अच्छी बात है कि मेरे बच्चों को ये पसंद आता है और काफ़ी सब्जी वगैरह सब चली जाती है पेट में। और आप थोड़ी देर बाद मैं दिखाऊंगी आपको कि देखिए मेरे बाल भी आज ऐसे हो रहे हैं कि बस हमेशा ऐसे ही रहते हैं। मैं हर ब्लॉग में यही बोलती हूँ मेरे बाल ऐसे हैं, बहुत बेकार है, बकवास। तो ये सब डालूंगी और जब बनाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी कितने अच्छे फ्लफी और इतने बढ़िया बनते हैं। ये सूजी का बैटर भी है और बस अब इसमें थोड़ा सा मैं मसाले ऐड कर देती हूँ और उसके बाद इसको रख देती हूँ। मैं भी चाहती हूँ रेस्ट करने इसकी तरह। ये है थोड़ा सा अमचूर पाउडर, अंदाजन अंदाजन डाल रही हूँ मैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा ही है। कहाँ गया भाई, कहाँ गया, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। गुड़ का दे, गुड़ और चीनी को हटा के कुछ करो यार। वो होना जीरा ये है फ्रेंड्स, भुना जीरा जो मैंने घर में तैयार किया है वो डाल दिया है और इसे चीनी के फ्लेक्स डालूंगी और थोड़ा सा डालते हैं ये चाट मसाला जो कि बहुत ही बढ़िया है खाने में, एकदम बढ़िया। और ये डाल दिया मैंने चाट मसाला और थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें काला नमक। ये डाल दिया मैंने इसमें काला नमक, गुड फॉर हेल्थ। थोड़ी सी कसूरी मेथी। और अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा हम चीनी पाउडर। चीनी पाउडर भी डाल दिया है और नमक थोड़ा सा डाल देती हूँ, थोड़ा काला नमक भी डाला है, चाट मसाला वाला भी डाला है तो उसमें नमक होता है। बाद में टेस्ट करके बताऊंगी फिर डालना है कि नहीं डालना है, वो पता चल जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए ये हो गया कुछ ऐसा, अब ये ऐसा लग रहा है जैसे दही घोल रखा होगा ना, नहीं हरी धनिया वगैरह होता तो और मज़ा आता है, चाट की जैसे खुशबू आ रही है। क्योंकि मैंने इसमें चाट मसाला और वो डाला है ना, क्या कहते हैं इसको, भुना जीरा। मेरे को लगता है सब्जियां भी डाल देती हूँ इसमें, अपने आप भीगती है ना, बढ़िया स्वाद, गीली गीली अजीब सी हो जाएंगे, पकेंगी तो तब भी ऐसी होगा नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स बढ़िया हो गया। चलिए अब इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ते हैं और बाद में जब बनाऊंगी फ्रेंड्स तब आपको दिखाऊंगी। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये देखिए फ्रेंड्स, शिमला मिर्च आलू सब डाल दिया मैंने। ये रहा आलू, आलू मैश करके डाला और इसमें डाल दिया शिमला मिर्च और अब ये बैटर हो गया कुछ ऐसा। सब सब्जियां डाल दिया, अब दिखाती हूँ मैं इसको बना के आपको कि कैसे। फ्रेंड्स मैंने इसमें डाल दिया सारा मसाला वगैरह, देखिए अब इसकी ऐसी हो गई है ये देखिए। और अब थोड़ी देर में मैं इसके बनाऊंगी चीले, चीले कह लो पिज्ज़ा कह लो, इतना टेस्टी और इतना बढ़िया लगता है ना देखने में, मैं क्या ही बताऊँ आपको। और आयुषी के आने में टाइम है फ्रेंड्स, भव्य को मैंने दूध दे दिया है और आयुषी के आने में टाइम है तो हम चाय पी लेंगे और दूध गर्म करेंगे, उसके बाद मैं इसको बनाने का प्रोग्राम स्टार्ट करूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स मैंने ये चिल्ले थे नहीं मेरे पास, साबुत मिर्च थी, मैंने उसी के डाल दिए। तो अब मैं इसको भी इसमें डाल दूँगी, बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। मैंने कितनी बार बना दिया, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। आयुषी को तो एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार बनाना, मम्मा मेरे को तीन टाइम चाहिए तो ऐसे बोलती है। चलिए अभी थोड़ी देर में बनाऊंगी, पैन भी मैंने रेडी रखा हुआ है, जब आयुषी आएगी तभी गर्म गर्म बनाऊंगी फ्रेंड्स। और अभी उसके आने में टाइम है, चलिए तब तक मैं चाय बनाती हूँ। मेरी बन गई है, देखिए चाय पीते हैं अब हम। चलिए फ्रेंड्स आयुषी आ गई है, अब आयुषी को बना के दे देती हूँ क्योंकि वो गुस्सा भी हो रही है आपने बना के नहीं रखा। मुझे लगा जब वो आएगी तभी मैं गरम गरम बनाऊंगी, बट अब मैं बना देती हूँ वरना वो नाराज़ हो जाएगी। चलिए सबसे पहले जलाते हैं गैस। चलिए फ्रेंड्स गैस जल चुकी है मेरी और पैन रख दिया है मैंने, और पैन रख दिया है फ्रेंड्स, गैस जला दी है और इसमें डाल दिया थोड़ा सा ऑयल। और अब हम बनाएंगे इसका पेस्ट जो है, इसको मिक्स कर लेते हैं क्योंकि मैंने चिल्ली फ्लेक्स डाले थे फ्रेंड्स वो मिलाया नहीं था, अब मैं इसको मिला देती हूँ पहले अच्छे से।
फ्रेंड्स पैन भी गर्म हो गया, अब डालते हैं इसको बैटर को। देख सकते हैं आप मैंने डाल दिया है, और अभी मैंने पानी नहीं लिया है, इसको पानी ले लूँ फ्रेंड्स पहले। देखिए अब मैंने ये ले लिया है, और अब मैं इसको हल्के हाथों से ऐसे प्रेस करके फैला दूँगी। और इसको कर देते हैं अब हम कवर, इसको सिकने देंगे फ्रेंड्स थोड़ी देर के लिए। जब भी सिक जाएगा तब हम इसको पलटेंगे। चलिए तब तक हम वेट करते हैं कब तक तैयार होते हैं। आयुषी ऊपर से नीचे आई नहीं है और मेरे को एक हाथ से ही करना पड़ रहा है ये सब, तो चलिए अभी आ जाएगी आयुषी। तब तक ये बन रहा है और रख दिया ऐसे ढक के, अभी थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स ये। फ्रेंड्स अब खोल के देखती हूँ मैं इसका हाल कैसा हो रहा है। देखिए अब साइड से इसके कोने उठने लग गए हैं। ओह वाह, ये तो हिलने भी लग गया है बिल्कुल अच्छे से। अब मेरे को बड़ा टफ हो रहा है भाई एक हाथ से इसको करना, तो पहले मैं इसको पलट दिया फ्रेंड्स मैंने। ये एक हाथ से करने में ना मेरे एक हाथ से बड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए फिर मैंने फ़ोन बंद करके दोबारा ये चलाया, और अब आपको दिखा रही हूँ मैं कैसा हो रहा है। ये देखिए अब देख रहे हैं आप कितना स्पॉन्जी हो रहा है, देखिए बहुत ही अच्छा। अभी सीखेगा ये थोड़ा अच्छे से। चलिए अच्छा बन गया है, कितने अच्छे से पलट रहा है अच्छा सा, और पक भी चुका है अच्छे से। अब सबसे पहला वाला मैं दूंगी मैडम को, जिनकी फरमाइश पे आज ये बनाया गया है। ये देखिए आप, और कितना अच्छा ये देखिए। अरे आप दे दो मेरे को बस कितना। चलिए अब मैं एक और बना के दिखाती हूँ, फिर मैं इसको दे देती हूँ ये। वो दूसरा भी मेरे को ही देना। अरे सब तेरे को ही दूंगी, तू खा ले पहले पेट भर के, फिर मैं हाँ। औरों के लिए दूंगी। अब इसे मैं हाथ से पानी की सहायता से नहीं 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 ऐसा थोड़ी होता है। नमक वमक बता देना पहले। देखिए उतावली लड़की खा जल्दी खा पूरा खा रुक जाओ। कैसे है? बहुत बढ़िया। टेस्टी हो रहा है? नमक सब बढ़िया। थैंक यू भी बोल दे। हाँ थैंक यू। चलिए हो गया इसका, तो अभी आएगी ना नीचे दोबारा लेने आ जाना, मैं लेने देने नहीं आऊंगी ऊपर। वही तो मैं भी कह रही हूँ, यहाँ पे खा ले बैठ के आराम से, बनते रहते खाते रहो पेट भर के, खा ले फिर चली जा, बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे। चलिए फ्रेंड्स अब ले जाती हूँ पति देव के लिए, देखती हूँ उनको कैसा लगता है खाने में। कम हो रहा है अभी तो फिलहाल। चलिए जी अब ले चलते हैं इधर। गरम है, सॉस भी लेके आओ है। चलिए जी अब लेके आते हैं सॉस। बनाइए फ्रेंड्स मैंने मिर्च की चटनी, लहसुन और मिर्च की चटनी, और ये मैं अब दे के जाती हूँ मम्मी को, देखती हूँ मम्मी को कैसा लगता है। लो मम्मी साइड में रख लो चटनी, खा के देखो कैसा बना है। वो नहीं खा रहा है, उसको अभी दूंगी मैं।
अभी गर्म हो रहा है, बहुत गर्म हो रहा है अभी। ये चिकन ना किस का नाम? ऐसी खिलाओ, मुझे सॉस पसंद नहीं है। शिमला मिर्च का टेस्ट तो कितना अच्छा लग रहा है ना इसमें, बहुत ही अच्छा हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स, सबको अच्छा लगा, आप बनाते रहती हो क्योंकि इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, और इस व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय, सी यू माय नेक्स्ट व्लॉग।